हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं अपने हिंदी यूट्यूब हिंद स्टडी पॉइंट्स पर। हिंद स्टडी पॉइंट्स लेकर आया है आज 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी से रिलेटेड हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ये मिस ना कीजिएगा, क्योंकि हर पेपर में, हर महीने पेपर ये पूछा जाता है कि ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, इसलिए मैंने इनको एक वीडियो की शक्ल देकर आपके सामने पेश किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसकी नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की आप जानते ही हैं, कंट्रोल एन। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप जानते ही हैं, मैनेज, अगर हम टेम्पलेट मैनेज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट कीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं? तो आप जानते ही हैं, एडिट मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट पाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? आप जानते ही हैं, अधिकतम फॉन्ट साइज 96 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज 96 होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना होता है? आप जानते हैं, 20 न्यूनतम जूम होता है और अधिकतम जूम होता है हमारा लगभग 800 करीबन। चलिए उसके बाद चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी होती है, और अगर सब स्क्रिप्ट की पूछ ली जाए तो कंट्रोल शिफ्ट पी होती है। सातवां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप जानते हैं, कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट भी बड़ा करता है और ये भी बड़ा करता है, तो मैं आपको दोनों, ये दोनों हैं इसलिए इसमें ए भी बहुत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जैसे कमांड पाए जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू में? तो फॉर्मेट मेन्यू में ही पाए जाते हैं ये सारी चीज़ें, तो इसलिए इसका राइट आंसर फॉर्मेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एस जो होती है वो सेव एज की शॉर्टकट की है। उसके बाद है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है? जी हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या नहीं? जी नहीं, क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ट्रू यानी फॉल्स होगा, क्योंकि ओपन सोर्स तो है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता तब इसका राइट आंसर ट्रू होता, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया गया है, इसलिए ये फॉल्स आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ऑटो टेक्स्ट कंट्रोल F3 से किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की कुंजी क्या होती है? दोस्तों, इसकी कुंजी जो होती है वो होती है शिफ्ट F7। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। चौदवा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहां पर होता है? आप जानते हैं, सबसे नीचे होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .odt, जैसे एमएस वर्ड में .docx होता है, इसी प्रकार लिब्रे ऑफिस राइटर में .odt होता है। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं? नो, छोटे दिखाई देते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन लगाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को हम DOC, DOCX, XML जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते? गलत, कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1 होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 3। वाओ,
लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की, टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल F12 होती है। इसका राइट आंसर वी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए कंट्रोल W। राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग, जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ जो होता है वो इसकी शॉर्टकट कीज होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए शिफ्ट F12। शिफ्ट F12, एक बार फिर सुन लीजिए, शिफ्ट F12। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप जानते हैं कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक होता है, तो पेज ब्रेक जो होती है वो होती है शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर।